ఆర్సీఎం ఆర్గానిక్ హెర్బల్ న్యూట్రీచార్జ్ సప్లిమెంట్స్ వస్తువుల ద్వారా ఆరోగ్యం మరియు తక్కువ ధరలు లభిస్తాయని ఇందులో ఆదాయం సంపాదించుకునే అవకాశం కూడా ఉందని డాక్టర్ సురేంద్ర వాట్స్ రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్ లో జరిగిన ఒక సెమినార్ లో పేర్కొన్నారు ఆర్సీఎం బిజినెస్ చేస్తే మీరు ఈ బిజినెస్ ద్వారా మీరు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చని అన్నారు ఈ స్వదేశీ వస్తువులు వాడడం వల్ల మన దేశానికి ఆదాయం పెరిగి దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని అన్నారు సెమినార్ అనంతరం డాక్టర్ సురేందర్ వాట్స్ ని సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్సీఎం లీడర్ బీసీ మహాసభ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మానపాటి ప్రదీప్ కుమార్ ఆర్సీఎం లీడర్స్ మనోజ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है बेसिकली मैं हरियाणा से हूं रिसेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली My father was a government teacher and my mother was a housewife. We are two brothers and three sisters. When we were struggling, there were no enough money in our family. उस समय भी हमारे parents ने हम सबको एक अच्छा education दिलाया. I did my post graduation from Delhi University in 1996. I did bachelor in education B.Ed. and after that I started my career as a private teacher and my first salary was only 500 rupees केवल मात्र 500 रुपए से मैंने अपने करियर जिंदगी में पैसा कमाने का शुरुआत किया एक साल मैंने नौकरी किया और एक साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरे समझ में आ गया अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते मुझे बिजनेस करना पड़ेगा हाउ मेनी पीपल आर डूइंग जॉब कितने लोग नौकरी करते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब एनी जॉब मेनी पीपल आर देयर थैंक यू वेरी मच मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या नौकरी करके आप एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं एक बहुत अच्छा घर बना सकते हैं बंगला टाइप नहीं बना सकते क्योंकि नौकरी का डिजाइन लग्जरी लाइफ के नहीं हुआ है हेलो नौकरी का जो डिजाइन है वो लग्जरी लाइफ के लिए नहीं हुआ है नौकरी का डिजाइन इसलिए हुआ है कि आप जिंदगी भर कंप्रोमाइज करते रहे और जिंदगी भर पत्नी के ताने सुनते रहे मैं माफी चाहता हूं लेकिन यही सच्चाई है बिकॉज आई बिलोंग टू ए एम्प्लॉय फैमिली हमारे परिवार में सभी लोग नौकरी करने वाले लोग थे सो मैंने बहुत नजदीक से चीजों को देखा है मेरी समझ में आया कि मुझे बिजनेस करना चाहिए जिससे मैं अपने सपनों को पूरे कर सकता हूं बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं सर लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम रहता है क्या बिजनेस करें बिजनेस के लिए यू नीड मनी आपको पैसा चाहिए और यू नीड सम बैकग्राउंड ईस्ट और वेस्ट आरसीएम इज द बेस्ट आरसीएम इज द बेस्ट आप बहुत लकी हैं कि हिंदुस्तान की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में जुड़ने का मौका मुझे ये एहसास तब हुआ जब मैं 2012 में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से जुड़ा आई बिकम फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ DSDWA डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन और उसके बाद जब मैंने दूसरी कंपनियों को बड़े नजदीक से देखा उनके प्रोडक्ट को देखा उनके कंपनसेशन प्लान को देखा उनकी यू नो इंटेंशन को देखा तो मुझे लगा वी आर वेरी और ये ऊपर वाले की कृपा है हमारे ऊपर में क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां गलत तरीके से काम करती हैं उन गलत कंपनियों के बीच में एक अच्छी कंपनी आपको मिल गई ये उसने कृपा की है तभी मिली है अदरवाइज नहीं मिली देखो आप जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए यू आर इन द राइट कंपनी यू आर इन द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया थोड़ी देर के लिए एक चीज और समझिएगा आरसीएम बिजनेस और डे
डायरेक्ट सेलिंग, कोई लॉटरी का टिकट नहीं होता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपके प्लाइन आपके घुमाएगा और बोलेगा अल्टीट्यूड बच जाओ। दैट इज ए प्रॉपर बिजनेस। आपको इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जैसे प्रकृति को हर चीज को बनने में पनपने में टाइम मिलता है, वैसे थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको करना क्या है। जानना चाहते हैं? Yes. कितने लोग जानना चाहते हैं? डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं? अंदर चलिए, बहुत बढ़िया। डायमंड बनने के लिए मैं बहुत डिटेल में तो हर चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, छोटी छोटी कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं 6 बेसिक। किसने बनाए हैं 6 बेसिक? आरसीएम बिजनेस की 22 साल की लीडरशिप से निकल गया है। ये फिजिकल रिफाइंड है, फिजिकली इसको रिफाइंड किया गया है, केमिकली रिफाइंड नहीं, इसलिए ये बेहतर है। तो ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगा नहीं, और इसकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल लेवल की है, और खास बात क्या है, इसके जो रेट हैं वो लोकल मार्केट वाले रेट। जितने भी प्रोडक्ट आप देखेंगे, हर प्रोडक्ट की विशेषता यही है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो दाम है उसके वो वाजिब है। किसी भी कंपनी को आप कंपेयर कर लीजिए, आरसीएम के बराबर के प्रोडक्ट कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक गरीब आदमी जब इन प्रोडक्ट को खरीदता है तो ये नहीं कहता कि मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती, हेलो। और एक अमीर आदमी जब खरीदता है तो वो ये नहीं कह सकता कि इसकी क्वालिटी मेरे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती। इकलौती ऐसी कंपनी है देश की आरसीएम बिजनेस, जहां एक झोपड़ी वाला भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है और एक महल में रहने वाला व्यक्ति भी इनको इस्तेमाल कर सकता है। तो आरसीएम बिजनेस देश की सारी कंपनियों से अलग इसलिए है क्योंकि यहां पे हर घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट है। आरसीएम की दूसरी विशेषता यह है कि आरसीएम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा जो है वो बहुत मजबूत है, जिसमें कंपनी की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, अपने डिपोज हैं पूरे देश में, सेंटर्स हैं बहुत सारे पूरे देश में, किसी भी कंपनी के पास में इतने सेंटर नहीं मिलेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास में विजनरी फाउंडर डीसी छावड़ा जी, जो देश में बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। हमारे जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से एक ऑब्जेक्टिव है हेल्थ इंडिया। हमारी चौथी ताकत है हमारा एक्सपीरियंस। आरसीएम 22 साल से है और फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी मेन कंपनी है वो 1977 से है, 45 साल से है। इतना रिच एक्सपीरियंस आपको डायरेक्ट सेलिंग में देखने को नहीं मिलेगा। हमारी पांचवी जो ताकत है वो है हमारा मार्केटिंग प्लान, कंपनसेशन प्लान, जो इतना इजी इतना आसान है कि आम आदमी समझ सकता है और समझा सकता है। दूसरी उसकी विशेषता है कि गवर्नमेंट की जो रूलिंग है उसका 100% पालन करता है। और तीसरी खास बात यह है